बहुत बढ़िया मैम, कैसा चल रहा है इसकी पढ़ाई लिखाई? बहुत अच्छा चल रही है। पहले तो हम बहुत परेशान थे, इसकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट होता ही नहीं था। मतलब इसकी टीचर्स ने मुझे फोन करके कह दी थी कि इसकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पढ़ पा रहा बिल्कुल भी। बहुत कोशिश की हमने, लेकिन जब तक हमें कारण नहीं पता चला इसका कि क्या कारण है, जब चश्मा लिया और जब से इसको पैचिंग शुरू हुई तब से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। और अब एक साल बाद तो अब बहुत अच्छा उसमें हुआ है, जिसकी हैंडराइटिंग है ये पहले की है, ये पहले की है, ये पहले की हैंडराइटिंग। हाँ मतलब ये कुछ पंथ पहले की है, पहले तो और भी पुअर थी मतलब ये अब की है। हाँ जी हाँ, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है, वेरी गुड। हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे लास्ट ईयर कि इसकी हैंडराइटिंग ऐसी हो सकती है। अब पहले क्या था ना कि मैं मौसी को बोलता था कि ना मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कि जब घर पे भी मैं जाता था कि मैं गया, मैं कहा भाई आजा खेलते हैं, गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसका इतना अंडर डाउन हो गया था ना। और मतलब कि मे बी उस टाइम पे ना कि कोरोना के अंदर जब पढ़ाई करते हैं बच्चे की, अब वो फोकस नहीं कर पाता, कैमरे के सामने नहीं आ पाता क्योंकि उतना अच्छा से पढ़ नहीं पाता था। और हमें ये नहीं पता था कि ये पढ़ाई में कमजोर है या फिर ये देखने में। और जब हमें ये पता चला ना कि मतलब पहले तो वहां पे मेरठ में दिखाती थी मौसी, तो मैं यहाँ पर था, मैं सर के साथ बहुत वो था, फिर आपके पास भी था। तो जब मैं आपके पास आया तो देखा कि ना पेडियाट्रिशियन के लिए डॉक्टर और स्पेशल अटेंशन था, तो जब देखा मैंने कहा ठीक है मौसी एक बार यहाँ पर दिखाते हैं वो करते हैं। और तब इतना मेजर पॉइंट था कि उसका विजन ही डेवलप नहीं हुआ 6 or 7 इयर्स में, और हमें किसी ने भी गाइड नहीं किया मेरठ में, इतने डॉक्टर को दिखाते थे, ऐसा नहीं था कि इसके 1.5 साल पहले से चश्मा लग रहा था, ग्लासेस को था। और किसी ने ये भी नहीं बताया कि ना विजन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि विजन थेरेपी करनी चाहिए, और हमें उस चीज का पता ही नहीं था। और उसके बाद जैसे मैं ले गया, मैं आपके पास आया, वहां पर हुआ कि आई पैचिंग होनी चाहिए, सो मैंने कहा ठीक है मौसी मैं पैच को करवा देता हूँ, ऑर्डर करा मैंने और घर पे आ गए अमेजोन से। बट द थिंग इज कि आपने सिखा दिया कैसे लगाना है, बट इन्होंने लगाया, फिर उसके बाद जो नेबर होते हैं एकदम से, आप यकीन नहीं मानेंगे, नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे वो एकदम से नेबर बोलते अरे छोटा बच्चा इतना प्यारा है, इसकी आंखों में क्या हो गया। और इतने लोगों को कराना और किसी को बता नहीं सकते कि मतलब की थेरेपी है। तो मैंने इनको बोलता था कि ना मौसी मैं हैंडल करता हूँ, तो मेरे सबसे पहले मैंने एक दो को बोला कि ना जैसे फिजियोथेरेपी होती है तो उसी तरीके से आई की मसल्स की है, सो आज ये बस वाले पे है, कल आप देखना इस वाले पे होगा। तो जब उनको समझ में आया कि अच्छा व्यक्ति को, हमने कॉलोनी में जितने भी व्यक्ति रहते हैं सबने कोई जो हमसे परिचित नहीं था, अभी उसके बाद यहाँ पर आते हैं मेरे घर पे, यहाँ पे तो लिफ्ट में बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो एकदम से देख के ना है इतना इसके आंख में क्या हो गया, चोट लगी? नहीं चोट नहीं लगी, ये सिर्फ फिजियोथेरेपी, हाँ ये विजन थेरेपी बोलते हैं इसको, नया आया है। तो जब उनको इससे बहुत वो होती है कि जो मसल्स वीक हो जाती है ना देखने के लिए, और इससे बहुत इंप्रूवमेंट होती है, आगे चश्मा हट जाता है, तो बोलते हैं अच्छा अच्छा, तो इनको कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद इन्होंने मौसी ने इतना ज्यादा वो करा कि वो खुद से बोलने लगी। फिर उसके बाद भी स्कूल में गया, स्कूल में प्रिंसिपल कि क्या हुआ, कुछ हो तो नहीं गया आई के अंदर। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट था ना, सबको आदत पड़ गई इस चीज की। हाँ, वो कुछ टाइम की बात होती है। हाँ, और उसमें एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पर पेरेंट्स इस बात को समझ जाते हैं ना, वहाँ पे बच्चे को गेन मिल जाता है। अब जहाँ पे पेरेंट्स बात नहीं समझते या हम नहीं समझा पाते हैं, वहाँ पे बच्चा हमारा लॉस में आ जाता है। जी जी बिल्कुल, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे का नुकसान होता है। जो इसने गेन किया वो सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से गेन किया, आपने बात समझी, वो इम्प्लीमेंट किया, तो उसका सारा क्रेडिट आपके ऊपर है। बीच में मैम इसको इतना वो गया था कोरोना के अंदर से, तो ना मैंने कहा ठीक है लगाना बहुत जरूरी है, बीच में छूट गया था एक बार, तो ना धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कम हो गया। जैसे हर मंथ हम विजिट करते हैं, हल्का सा कम हो, मैं स्ट्रिक्ट हो गया, मैंने कहा मैं आऊंगा, वो लगा होना चाहिए, पैच उतरेगा नहीं, तो कभी कभी होता है इरिटेशन से होता है। फिर उसको समझ में आ गया कि जैसे एक स्टार्टिंग स्टेज थी ना तब इरिटेशन वाली थी, तो जैसे ही 2-3 महीने निकले ना उसके बाद इसको और क्लियर दिखने लगा, तो उसके बाद एक खुद समझ गया। और उसके बाद ना फिर विद इन हमारे को एक साल हुआ है, हमने दिसंबर 2020 से करा था और अभी दिसंबर 2021 गया है, तो 1 साल 2 महीने समथिंग का, 1 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट है। और मैम इतना इम्प्रूवमेंट, इतना इम्प्रूवमेंट ना कि जो टीचर होते हैं ना, अभी कोरोना के बाद अभी स्कूल रिज्यूम हुए, जो ऑफलाइन क्लासेस थे, तो जाके बताता कि ऐसे लिखा हुआ, तो सोचते कि किसी और ने तो नहीं लिख दिया, बिल्कुल। क्लास टीचर राइटिंग लेकर प्रिंसिपल मैम के पास पहुंची, इसकी राइटिंग जो ऐसी थी इसको देखो आप, मतलब चुपके से कॉपी लेकर उनको दिखानेंगे अलग से लाकर, इसकी हैंड राइटिंग के पीछे की आप परेशान रहती थी सभी की, कैसे पढ़ पाएगा बच्चा, कैसे पढ़ पाएगा, शॉक्ड हो गए सब लोग उसके हैंडराइटिंग। और इवन हैंड राइटिंग के साथ में ना जो ट्यूशन की जो टीचर है ना,
वो भी एकदम से बोलते कि ना कि पढ़ नहीं पाता या वो नहीं कर पाता कि ट्यूशन टीचर डांट देगी उस चक्कर में ट्यूशन जाने में करता था कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, खुद बताता था अभी भी बताता मैं ऐसे ऐसे करता था ऐसे ऐसे चीटिंग करता था, लेकिन अब मैम सरप्राइज देती है कि वो करा वेरी गुड बोला क्लास में सबसे पहले कर दिया तो इसको चॉकलेट मिल गई और वैसे इतना प्रेज हुआ और मैं भी वीडियो कॉल पे करता था एकदम दिखाते भैया देखो मैंने ये लिखा है मैंने वो करा है तो इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट है इसका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है वरना लाइफ ना बिल्कुल इट विल बी अ हेल। एक्चुअली ये जो फेज था ना ये सबसे क्रूशियल फेज था, जो चीज हमने एक डेढ़ साल में अचीव कर ली ना अगर हम इसको और एक डेढ़ साल बाद के बात करते ना तो हम कुछ भी जोर लगा लेते हम इस रिजल्ट को नहीं ला सकते थे, क्योंकि हमारा विजन डेवलपमेंट एक टाइम बाउंड प्रोसेस है, हमारा विजन 7 से 8 साल की एज तक कम्प्लीट हो जाता है, अगर उस बीच में हमने ये स्टेप्स नहीं लिए, अगर लेने हैं किसी बच्चे को चश्मे की जरूरत है विजन थेरेपी की जरूरत है अगर हमने वो राइट स्टेज में नहीं किया तो ये रिजल्ट कभी नहीं आता है और उसका जो इफेक्ट होता है जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि बच्चा उसको सफर करेगा या बच्चा उसको एंजॉय करेगा, अब इसका पूरा विजन डेवलप हो गया ही इज कॉन्फिडेंट ही इज कम्फर्टेबल एंजॉइंग स्टडीज ही विल गेन द सक्सेस। आज तो स्पेशली यही था कि ना कि अब तो इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि ये तो आई सर्जन बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा बनेगा इतना इसका इम्प्रूवमेंट हो गया कि आई सर्जन बन सकता है बनेगा नहीं तो हो गया। इसके साथ साथ जब लास्ट जब मैं आई थी तो मुझे लग रहा था कि भाई मुझे याद है जब पहली बार आपको बताया था तो आप रो पड़े थे, मुझे वो पूरा फेज याद है, आप बहुत इमोशनल हो गए थे जब हमने कहा था कि इसको चश्मा बदलना है इसको विजन थेरेपी पे डालना है इसको पैचिंग करनी है, मुझे वो फेज याद है मैम बहुत ही घबराए हुए रहते थे, तब हम यही समझाते थे कि कुछ नहीं है बस टाइम प्रॉपर लाइन पे आप चलते रहिए बच्चा ऑटोमेटिकली गेन करेगा, लेकिन ये सारी मेहनत आपकी है जो इसको रिजल्ट मिला वो सारी मेहनत आपकी है। शुरू में स्टार्टिंग में जो पैचिंग शुरू करी थी तो मैंने 15 दिन इसको अपने यहाँ बुलाकर रखा था, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में वो नहीं हो पाई ना इसने इरिटेशन होकर उतार दिया पैच को नहीं लगाया तो फिर नहीं कर पाएगा ये, तो शुरू में इसको आदत डालनी जरूरी थी। एक और चीज थी मैं जो मैं वो पॉइंट आउट करता हूँ कि ना जैसे था कि मैं मेरठ में लेंस बनवा लिया ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि मतलब यहाँ से वो कर दिया कि एक एक्स्ट्रा पेयर बनवाना हमने वहाँ बनवा लिया और फिर भी नहीं दिखता था, तब हम आए थे आपके पास कि री रेक्टिफाई कराने क्या हुआ, तब वहां पर क्या था कि उनका एक्सिस में डिफ्लेक्शन हो गया, तब आपकी वाली जो मशीन थी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली आप सिंगल डिग्री आप एडजस्ट कर सकते हैं तब उसमें 80 डिग्री से 110 डिग्री तक का था, इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट है वही नंबर पे एक्सिस ओरिएंटेशन की वजह से। सो आपकी वाला जो था सोफेस्टिकेटेड है बट इट इज ट्रूली अ लीजेंड थिंग। एक्चुअली जो सिलिंड्रिकल पावर्स होती है ना उसमें हमारा प्रिसाइज मेजरमेंट प्रिसाइज असेसमेंट और उसका प्रिसाइज बनना ये सारी चीजें जरूरी होती है, ये जो विजन डेवलपमेंट है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर ठीक असेस हो ठीक से फिट हो फिर ठीक से लगाएं उसको और जो साथ में असिस्टिव थेरेपीज है वो करें। हम तो स्पेशली मेरठ से आते हैं और फिर मेरठ से इवन सेकंड डे भी एक मतलब वो होता है ना कि मतलब एग्जैक्ट नंबर के लिए आ जाए तो उसमें भी चलो कोई दिक्कत नहीं है आ जाते हैं, लेकिन वो ना कि वो वर्थ है क्योंकि वो जो एक साल की हमारी मेहनत है ना हर महीने की चेकअप की वो वर्थ है एंड इट इज गोइंग टू बी विद हिम फॉर ये आपकी आज की मेहनत आप भूल जाओगे लेकिन जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा इसके साथ रहेगा। और इसी वजह से मैं तो बहुत जगह पे जहाँ पर मैं देखता हूँ ना कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ना एक बार विजन थेरेपी के लिए मैम से कंसल्ट करें, क्योंकि डेफिनेटली मैंने तो लाइफ चेंज होते देखा है अपने भाई का, मतलब मेरे को लगा नहीं था इकलौता है वैसे तो था कि ना मतलब थोड़ा और पैम्पर करते हो करते, लेकिन जब पहले से ही ऐसा लगा ना और पहले इवन स्क्विंट भी था आई कैंसर और वो स्क्विंटिंग भी इम्प्रूव हो गया, हमें पता ही नहीं चलता कुछ वो है अदरवाइज पहले की ऑपरेशन करा ले कुछ भी करा ले बट तो उससे कुछ होता ही नहीं, जो मेन चीज थी वहां पर हमें तो मेरठ के डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि हम थोड़ा बड़ा होगा हम ऑपरेशन कर देंगे और ठीक हो जाएगा, बट दैट वॉज नॉट द रूट कॉज ना, इट वॉज नॉट नीडेड एट ऑल एक्चुअली, वो अपने आप ही हो गया हमें पता ही नहीं चला। थैंक यू मे गॉड ब्लेस यू बेटा।